चुनाव नतीजे आने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश नायक ने पवई कलेक्टर के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। पवई से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश नायक का कहना है कि पवई विधानसभा में 800 कर्मचारियों को मतदान नहीं करने दिया गया। जिला प्रशासन जानता है कि कर्मचारी सरकार से नाराज हैं, इसलिए जानबूझकर उन्हें मतदान करने से रोका गया। पवई से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश नायक ने पवई कलेक्टर के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस उम्मीदवार का आरोप है कि जिला प्रशासन जानता है कि कर्मचारी सरकार से नाराज हैं, इसलिए सोची समझी रणनीति बनाकर 800 कर्मचारियों को मतदान करने से रोका गया है। चुनाव में इन सभी कर्मचारी की अचानक ड्यूटी लगा दी गई और इन्हें मतपत्र नहीं दिए गए। कर्मचारियों को वोट न करने देना इनके मौलिक अधिकारों का हनन है। कलेक्टर को इस बात की जानकारी देने पर भी कलेक्टर ने कोई कदम नहीं उठाया। इससे साफ है कि किसके इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। ऐसे में इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। पवई विधानसभा क्षेत्र में 800 कर्मचारियों को अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करने दिया। जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि सरकार से कर्मचारी नाराज है, तो एक रणनीति के तहत, सोची समझी चाल के तहत एक मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र में 800 कर्मचारियों को वोट नहीं करने दिया। इन्होंने लगभग 260 यात्री बस अधिग्रहित की थी और 208 कार भी लगाई थी। उनके परिचालक, लगभग 500 परिचालक और 300 से ज्यादा आती थी शिक्षक, इनकी एकाएक ड्यूटी लगा दी, उन्हें मतपत्र नहीं दिए और अचानक ड्यूटी लगा देने से वो अपने मताधिकार से वंचित रह गए। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग इसका प्रचार प्रसार करता है, लेकिन जिले में बैठे अधिकारी जब व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो ये अपराध है। इसको अपराध के रूप में लेना चाहिए और इन्हें दंडात्मक सजा इनकी होनी चाहिए और क्रिमिनल केस इनके ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।